विधानसभा चुनाव की पार्श्व भूमि पर चंद्रपुर जिले में कुछ दिनों के लिए शराब बिक्री पर बंदी रहेंगी। तो आइए सुनते हैं इसके संदर्भ में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अधीक्षक नितिन धार्मिक ने क्या जानकारी दी। मतदान तथा वोटों की गिनने की प्रक्रिया के दरमियान चंद्रपुर जिले में 4 दिनों तक शराब की बिक्री बंद रहेगी और इस संबंध में आदेश जिला चुनाव अधिकारी जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने दिया है। विधानसभा चुनाव की पांच भूमि पर 18, 19, 20 और 23 नवंबर को ये दुकानें बंद रखी जाएंगी। तो आइए इसके संबंध में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अधीक्षक नितिन धार्मिक ने विस्तार पूर्वक क्या जानकारी दी। विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून जिल्हाभरात 6 पथके तैनात करण्यात आलेली असून रात्रंदिवस पथकांमार्फत अवैध दारूवर कारवाई करण्यात येत आहे। आचारसंहिता कालावधीत आतापर्यंत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्ह्यात 66 गुन्हे नोंदवले असून एकूण 13 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। विधानसभा निवडणुकीच्या मतदान व मतमोजणीच्या अनुषंगाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेने ड्राय डे आदेश लागू करण्यात आलेले आहे। त्यानुसार 18 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी 6 वाजेपासून मतदान संपेपर्यंत म्हणजे 20 तारखेला 20 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत मद्यविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्यात आलेली आहे। तसेच मतमोजणीच्या दिवशी म्हणजे 23 नोव्हेंबर रोजी संपूर्ण दिवस मद्यविक्री दुकाने बंद राहतील। नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की त्यांच्या परिसरात जर अवैध दारू विक्री निर्मिती किंवा साठवणूक होत असेल तर त्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला द्यावी। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव यारकर की रिपोर्ट।